ही कोई बंगलो है वीर, ना ही मैं अल्ट्रा रिच हूं। ड्राइवर, नौकर, गाड़िया, कुछ नहीं। तुम सोच रहे होगे ना हम सच अ चीट, कितनी झूठी है जारा, सच लाया है ना। ट्रस्ट मी वीर, मैं वही जारा हूं जिसे तुमने जाना है, वही जारा जिसे जिसे तीखी पानी पूरी पसंद है, वही जारा जिसे पपीज से प्यार है, जो जो सेट पे स्ट्रेट बॉक्स को खाना खिलाती है फिर खाती है, और अपने काम के लिए उतनी ही ऑनेस्ट हूं, उतनी ही डेडिकेटेड हूं जितना तुम्हें लगा है। फर्क सिर्फ इतना है, छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, बहुत ही सिंपल फैमिली से, और यहाँ सर्वाइव करने के लिए ना अपनी लाइफ की सेल्फी में एक अल्ट्रा रिच फिल्टर लगा के रखा है। फिर तुम्हें पता है मैंने ये सब क्यों किया? बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मुंबई आना चाहती थी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया, सबसे लड़ी, अपनी सारी सेविंग, सब कुछ लगा दिया ताकि मेरा सपना पूरा हो। आ गई मैं मुंबई, रिलेटिव्स ने, पड़ोसियों ने, सबने ताने मारना शुरू कर दिया, लड़की मुंबई गई है, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। क्या कुछ नहीं बोला मम्मा को, उन सब का मुंह बंद करने के लिए मैंने रिच और सक्सेसफुल का नाटक किया, सिर्फ मेरी मम्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्ट फॉर। फिर ये बात ना सिर्फ शानू को पता है, और अब तुम्हें फिर ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा सीक्रेट जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। उतना भरोसा करती हूँ जितना किसी पे नहीं किया है। मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकती थी। आई हैड टू टेल यू, कुछ तो बोलो वीर। कर लेंगे। ओम, मैं नहीं चाहता कि चोट लगे, कल करेंगे, जाने दो। जाने ही देते हैं, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों को बड़ों को चुनौती नहीं, मुझे सबक लेना चाहिए। रॉकी, स्वीटी मिठी तुम्हारे नौकर नहीं है,
अपना काम खुद किया करो। स्वस्थ रहोगे। पापा, आप हमारे हीरो, वी लव यू। मुझे इन लड़कियों की खुशी देखकर सुकून क्यों मिल रहा है? नहीं, ये इंसानी जज्बात मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाना दे कहीं। मुझे इनसे बचकर रहना होगा। यही मेरा घर है वीर। जब से मुंबई में आई हूँ यही रहती हूँ। ना ही कोई बंगलो है वीर, ना ही मैं अल्ट्रा रिच हूँ। हम लोगों मिडिल क्लास गर्ल वीर सपनों की नगरी में अपने सपने पूरे करने आई हैं। सिर्फ मेरी मम्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए। जस्ट फॉर हर। ज़ारा को कैसे जज कर सकता हूँ मैं? मैंने खुद भी तो झूठ बोला है अपनी फैमिली के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। पुपा जी, बुढ़ापे में भी जवानी का जोश गया नहीं आपका। I like it। अगर किसी को इस घर में मारना पड़ा तो सबसे पहले इस बदतमीज को मारूंगा। बताओ ना, नहीं इतनी पावर लाते कहां से हो? एक सबक है याद रखना, एक बड़ी लकीर छोटी करनी हो तो उसके सामने एक और बड़ी लकीर खींच दो, दूसरी छोटी अपने आप हो जाएगी। थैंक यू फॉर द एडवाइस फूफा जी। अगली बार बिना पूछे मेरे कमरे में मत आना जी। फूफा जी ने तो आइडिया दे दिया हीरो को सामने लाने के लिए। मुझे उससे भी बड़ा हीरो बनना पड़ेगा। क्या मेरे इस सच से मेरा एक अच्छा दोस्त दूर हो गया? ये विजन बोर्ड है ज़ारा। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे भी बड़े बंगले की फोटो इस बोर्ड पे लगाओ। तुम्हें जिंदगी में जितने भी अवार्ड्स जीतने उन सब की फोटो इस पे लगाओ। तुम्हें जो भी चाहिए वो सब इस बोर्ड पर होना चाहिए, क्योंकि वो सब तुम डिजर्व करती हो। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम ये सब हासिल करके रहोगी। देखना। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना क्या होता है मैं जानता हूँ ज़ारा। तुम अमीर हो या गरीब इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बंगले में रहती हो इस चौल में, तुम 50 लाख की गाड़ी से आती हो या 50 रुपए देकर ऑटो से, मेरे लिए तो तुम वही ज़ारा हो। ज़ारा द सुपरस्टार, क्वीन ऑफ हार्ट्स। Thank you so much, Veer. Veer, तुम्हें नहीं पता how much does this matter to me.
ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे दिल का बोझ ना एकदम से हल्का हो गया. थैंक यू फॉर बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड. थैंक यू. अब खुद भी रोगी और मुझे भी रुलाओगी. अब बाकी जितना बर्थडे बचा है उसे ढंग से सेलिब्रेट कर लेते. मुझे बताओ कि तुम और क्या करना चाहती हो जारा. तुमने इतना कुछ कर लिया है वीर, इतना स्पेशल बना दिया, अब इससे ज्यादा और क्या मांगू. अरे कुछ तो होगा. कुछ चाहिए नहीं पर कुछ बता सकती हूँ. बताओ. हीरो. क्या? हीरो से मैं मिली हूँ. वही हीरो जिसके बारे में तुम तारीफ करते रहते थे. वो हीरो जिसका गायब मोड ऑन रहता है. वही हीरो. फिर क्या कहा हीरो ने? क्या बात हुई हीरो से? बस वो हीरोगिरी कर रहा था, कुछ बात भी हुई? बातें ही तो नहीं हो पाई है. मुलाकातें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है. But you were right. इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था. कुछ अलग है, बिल्कुल हटके. क्या कॉन्फिडेंस है उसका. He's good. हाँ, मैं भी तो वही कह रहा था कि हीरो में कुछ ना कुछ बात तो है. Right. मैं उसे दोबारा मिलना चाहती हूँ पर पता नहीं कैसे. वो कब आता है कब जाता है कुछ पता ही नहीं चलता. इनफैक्ट मैं उसे ये भी कहने वाली थी कि आज मेरा बर्थडे है. उससे पहले ही वो गायब हो गया. ओ, तो ये बताने वाली थी ज़ारा मुझे उस दिन जब मैं पापा के पीछे भागा था. बस इतनी सी बात. मिलो. हे भगवान, प्लीज ज़ारा को हीरो से मिलवा दो प्लीज. इतना आसान नहीं होता. इतना भी मुश्किल नहीं है ज़ारा. सॉरी, मैं क्या कह रहा था कि एक बार तुम बुला के तो देखो हीरो को. तुम बुलाओगी तो हीरो आएगा. सच? हाँ, मतलब मैं होता तो सब कुछ छोड़ के भाग कर आ जाता. तुम्हें लगता है मुझे उसे मैसेज करना चाहिए? ऑफ कोर्स. हाँ हाँ. ओके थैंक यू. ज़ारा मैं निकलता हूँ. ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू. वीर, एक मिनट. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. बाय. मुझे तुम्हें बस ये बताना था कि आज मेरा असली बर्थडे है. वीर आ गया बाहर, हीरो जाएगा अंदर. मैं हीरो. अगर उस नल्ले डुप्लीकेट हीरो में हिम्मत है सामने आ. वन फाइट, गेम खत्म. और डिसाइड हो जाएगा कि असली हीरो कौन है. अद्भुत. पर ये आइडिया आया कहां से? मैंने कहा था ना, रॉकी को अंडर एस्टिमेट मत करना. पर तुम सुनती कहो? सॉरी, वो और हाँ, वो सिर्फ जुबान नहीं दिमाग भी बहुत तेज चलता है मेरा. हाँ जी, आपके चेहरे क्या?
अरे बहुत सही टेक्नोलॉजी यार। हेलो माँ, मुझे हीरो से लड़ने के लिए ना ऐसे एलियन की गैजेट्स और चाहिए। ये बस एक चांस दे दो, उसका गेम खत्म है मम्मी के साथ। और अगर उसने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो? मैं गेम को और बड़ा बना दूंगा। एक इंसान की सोच इतनी असुरी और तामसिक कैसे हो सकती है? यू सरप्राइज मी रॉकी। इस बार तो इसको चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा ना। आजकल कोई भी मुझे मुंह उठा के चैलेंज कर देता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग मेरे पिघले पैड हो गए। फिलहाल मुझे एक जरूरी काम है। हीर के कहने पे टीम तो कर दिया हीरो को, पर जस्ट होप मैं डेस्परेट साउंड ना करूं। अभी तक रिप्लाई भी तो नहीं आया। तुम यहाँ मेरे घर पे? तुम्हारे घर पे, जो कि बहुत क्यूट और कोजी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर तुम्हें कैसे पता? पता करने वाले पता कर ही लेते हैं। सडनली आते हो, अचानक से गायब हो जाते हो। बात कर रही थी मैं, मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी और तुम गायब हो गए। हाउ रूड। घर है मेहमान के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? वैसे प्यार हुआ है कभी? क्या प्यार की फितरत ऐसी ही होती है? कब लाइफ में एंट्री मारता है, कब लाइफ से एग्जिट मारता है, कुछ पता नहीं चलता। आई एम लाइक लव। नॉनसेंस। अगर मिड कॉन्वर्सेशन में मैं गायब हो जाऊंगी तो कैसा फील होगा? नहीं नहीं नहीं, ये कला तो सिर्फ इस कलाकार के पास है मैडम। तुम्हें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा ओके, कुछ और ट्राई करते हैं। Very nice. Zara? वैसे भी बर्थडे खत्म नहीं हुआ है मैडम। हीरो को तो सबके बारे में सब पता है, पर हीरो का पता क्या है? कहाँ रहता है हीरो? लोगों के दिल में। और फिलहाल तुम्हारे घर पे खड़ा है तुम्हारा मेहमान बनकर।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.